अमरावती का एक युवक लगातार बीमारी के चलते आरवी के तांत्रिक के पास गया था, जहां उम्मीद की जा रही थी कि मानसिक रूप से बीमार युवक का इलाज किया जाएगा। वहीं तांत्रिक से इलाज कराने के दौरान युवक की गला घोटकर हत्या कर दी गई है। वर्धा जिले में युवक की खुद तांत्रिक द्वारा गला घोटकर हत्या करने की घटना से हड़कंप मच गया है। अमरावती का एक युवक वर्धा के आरवी कस्बे में इलाज के लिए आया था। मनोचिकित्सक रहने वह मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक शर्थिया या इलाज करेगा, इस प्रकार की बात कही गई। लेकिन जब इलाज चल रहा था तो मनोचिकित्सक 22 वर्षीय ऋत्विक गणेश सोनकुसरे निवासी अमरावती उसका गला घोट दिया, इसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस को बताए बिना शव को अमरावती में परिवार को सौंप दिया गया। आरवी के विठलवाड के रहने वाले सभी तांत्रिक अब्दुल रहीम, अब्दुल मजीद, अब्दुल जुनैद, अब्दुल रहीम और अब्दुल जमीर अब्दुल रहीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक के शव को पुलिस को बिना किसी पूर्व सूचना के अमरावती भेज दिया गया है। सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस संबंध में कोतवाली अमरावती पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। गहन जांच के बाद मामले का खुलासा हुआ है। काल 19/5/22 रोजी आम्हाला शासकीय रुग्णालय अमरावती या ठिकाण फोनद्वारे माहिती प्राप्त झाली की आरवी जिल्हा वर्धा येथील एक इसम PM साठी अमरावती शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही इथून 2 अधिकारी त्या ठिकाणी पाठवून चौकशी केली असता प्राइमरी PM रिपोर्टमध्ये असं आढळून आले की सदर व्यक्तीची हत्या ही गळा दाबून झाली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही आरवी येथील संशयित इसम यांची विचारपूस केली असता आम्हाला असे आढळून आले की सदर संशयित इसमांनी त्याची तांत्रिक पद्धतीने उपचार करून त्याची गळा दाबून हत्या करण्यात आली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही सदर आरोपितांवरती कलम IPC 302, 201, 34 सह जादूटोणा कायदा कलम 3 अन्वये पुन्हा दाखल केला आहे व आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे व पुढील तपास सुरू आहे। BCN न्यूज के लिए आरवी से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।